इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। पहला बाबा मिस्त्री पर जो है जनता आरोप लगाती है, एक कई सालों से बाबा मिस्त्री नई जिंदगी के इलाकों में राज करते आए और वो सामने वाले पार्टी के उम्मीदवार का पूरा पसीना काढ़ा था मैं, ये मैं नहीं बल्कि जनता। अब जो है ऐसा माना जा रहा है कि दिलीप माने कांग्रेस में एंट्री करने से, कांग्रेस में प्रवेश करने से बाबा मिस्त्री की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बाबा को चुप नाम को टिकट दे सो है, वो क्या चुनकर आता है। ऐसे लोग अब प्रचार कर को ना कुछ काम करने वाले की ताकत भी थोड़े सोचते। फिलहाल जो है बाबा मिस्त्री के मन में क्या चल रहा है, बाबा मिस्त्री के दिमाग में क्या चल रहा है, शहर दक्षिण या फिर शहर मध्य, वो न्याय शहर दक्षिण का रहेगा या शहर मध्य का रहेगा, क्या लगता है बाबा? मैं वो नहीं बोल सकता, पार्टी बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता, मैं इतना बड़ा नहीं बोलने के लिए। पार्टी जो निर्णय लेंगे वो निर्णय के साथ मैं तैयार हूँ। एक जीरो था, आज मुझे उन्होंने हीरो बनाया और नई जिंदगी के लोगों ने हीरो बनाया, मैं एक जिंदगी बनी बनाऊंगा। सिविल हॉस्पिटल में ज़्यादा समय देने का मतलब लोग ये निकालते हैं कि बाबा को वहाँ से कुछ पैसों का लेन देन होता है क्या, कुछ कमीशन वहाँ से बाबा को मिलती है? पैसे लेते सिविल में, पैसे लेते उनको थोड़ा शर्म होना चाहिए। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि सोलापुर शहर में आमदार परमिति शिंदे खासदार बनते ही अब सोलापुर शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं बड़े जोरों शोरों से चल रही है। खास करके अगर बात की जाए मध्य विधानसभा क्षेत्र में तो हर कोई जो है मध्य विधानसभा क्षेत्र की दावेदारी कर रहा है और यहाँ का आमदार मैं हूँ, ये सीट जो है मेरी है, इस तरह की दावेदारी हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। हमने कई इच्छुक उम्मीदवारों की यहाँ से प्रतिक्रिया ली। आज हम पहुंचे हैं बाबा मिस्त्री के पास, उनके मन में क्या चल रहा है, बाबा मिस्त्री कहाँ के सपने देख रहे हैं, ये हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पहला बाबा मिस्त्री पर जो है जनता आरोप लगाती है, एक कई सालों से बाबा मिस्त्री नई जिंदगी के इलाकों में राज करते आए हैं। राज नहीं, सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। राज करने का वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम खिदमत करने का है। नई जिंदगी हो, मैं पूरे सोलापुर जिले के हद तक मैं काम करता हूँ। सोलापुर जिला नहीं बल्कि सोलापुर के आसपास गांव भी मेरा कार्य है, मेरा क्षेत्र है। लोग मेरे पास आते हैं, मैं रुग्ण सेवक बोलकर काम करता हूँ, लोग मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं। मेरा सब संपर्क हर सोलापुर शहर जिले में है, लोग हमेशा काम के लिए मुझे फोन करते हैं। मेरे काम लोगों ने मेरे से मुझे जुड़ा हुआ है, जिला और बाहर के जिले में भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। अब जो है ऐसा माना जा रहा है कि दिलीप माने कांग्रेस में एंट्री करने से, कांग्रेस में प्रवेश करने से बाबा मिस्त्री की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कई को लोग, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, उससे कोई लेना नहीं। पार्टी निर्णय लेने वाली पार्टी है, हाईकमान निर्णय लेंगे, निर्णय लेने के बाद उसका कुछ तो डिसीजन करेंगे, कुछ तो होगा उसके अंदर। क्यों पार्टी के लिए हमारी भी डिमांड है, क्यों पिछले वक्त क्या हो गया 2019 को, कोई इलेक्शन लिए ठहरने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी नहीं था। दिलीप माने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में चले गए, मध्य में से इलेक्शन लड़े उन्होंने, फिर यहाँ टिकट लेने कोई नहीं था। उस वक्त मैं खुद तैयार हुआ, खुद तैयार होकर इलेक्शन लड़ा मैं और ऐसी टक्कर दिया मैं, थोड़े मत से गिरा, 58,000 मत लिया मैं, और मेरे साथ कोई भी नहीं रहते, मैं और मेरे कार्यकर्ता मिलकर करे, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। नया मेरा प्रभाग था, ग्रामीण भाग में मेरी ज़्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन मेरे दवाखाने काम से ग्रामीण में लोगों ने मुझे जाने के बाद इतना मेरे को रिस्पॉन्स दिया, इतनी इज्जत दी, वो इज्जत का आपके सामने खड़ा है कि लोगों तो क्या बोलते थे 2019 को, अरे बाबा 500-2000 के मत का माला क्या बोलते थे, लेकिन मैं 58,000 वोट लिया और वो सामने वाले पार्टी के उम्मीदवार का पूरा पसीना काढ़ा था मैं, ये मैं नहीं बल्कि जनता। पब्लिक जो है मुझे मानती है और आज भी पब्लिक के साथ मेरा वही कॉन्टैक्ट है, वही संबंध है। और कोविड के अंदर जो मैंने काम किया पूरे सोलापुर शहर जिले के अंदर, वो लोगों को उसका एहसास है और लोग मुझे
मुझे गारंटी है कि आप लोग मेरे को पिछले बार 58 दिए थे, इस वक्त मेरे को 85,000 तक मत जाने का मेरे को एक अंदाजा है। एक कार्यक्रम ने हमने देखा कि माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कह रहे थे कि पिछले विधानसभा चुनाव में दिलीप माने आपकी जगह वहां पर बाबा थे, अब मैं बोल नहीं सकता, इसका क्या संदेश कैसा है? अभी किसका नाम लेंगे उन्होंने? अगर मेरा नाम दे तो दिलीप माने गुस्साएगा, उनका नाम दे तो मुझे को गुस्साएगा, इसके लिए इसका दिल नहीं तोड़ना चाहते ना। देखो टिकट एक को मिलने वाला किसको तो? अच्छा, पार्टी में बहुत से लोग की डिमांड होती है, बहुत से लोग मांग नहीं करते टिकट की, मेरे को भी चाहिए, मैं भी आमदार का सपना देखना चाहता हूँ, मैं भी आमदार बनना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी क्वालिटी देखेंगे, उसकी काबिलियत देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इसको टिकट देना है। अच्छा। उसके साथ इंशाल्लाह पार्टी कुछ अच्छा निर्णय लेंगे ना हमारे बारे में। मान लो दक्षिण के अंदर अगर दिलीप माने को टिकट कन्फर्म हो जाता है, तब बाबा मिस्त्री की रणनीति क्या रहने वाली है? उस टाइम अगर हमारे मेरे जो जो मेरे मतदार संघ में जो मुझे मानने वाले लोग हैं, अच्छा, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे मतदार हैं, अच्छा, ये लोग क्या निर्णय लेते हैं? अगर उन्होंने कुछ मुझे बोला आप इलेक्शन मत लड़ो तो हम नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कुछ तो डिसीजन देंगे उसके बारे में, और पार्टी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, मुझे इतनी गारंटी है पार्टी के साथ। क्यों हम इतने साल से पार्टी के एक सिपाही बोलकर काम करते हैं, कभी हमने पार्टी के साथ गलत काम नहीं किया और कभी किसी के साथ गलत काम किया नहीं हमने, और पार्टी के साथ हम एक निष्ठावंत बोलकर हमने काम किया आज तक। हम पार्टी को लेकर पार्टी का कभी हम डिसीजन उनका जो भी निर्णय हम लब्बैक किया, पार्टी के साथ कभी वादा खिलाफी किया नहीं, पार्टी के साथ हम अच्छा काम किया और जनता के साथ भी अच्छा काम करा। क्या उसके लिए जनता हमको उसको अच्छा एक प्लेटफॉर्म करके देंगे, मुझे ऐसी गारंटी है। फिलहाल जो है बाबा मिस्त्री के मन में क्या चल रहा है, बाबा मिस्त्री के दिमाग में क्या चल रहा है, शहर दक्षिण या फिर शहर मध्य? नहीं, मेरा तो दावा शहर दक्षिण सी से, तालुका दक्षिण सी से है मेरा। अच्छा। शहर और ग्रामीण मेरा काम है, दक्षिण मतदार संघ में 251 मतदार संघ में मेरा डिमांड है और मेरी ज्यादातर वहां से कोशिश होंगी। अब पक्ष क्या निर्णय लेते हैं मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि पक्ष के आगे मैं जा नहीं सकता, पार्टी है, पार्टी के साथ अपन वास्तव में निष्ठा रहे, इसे निष्ठावंत रहे, आज भी निष्ठावंत है। अभी देखेंगे पार्टी क्या, मेरे को इतनी गारंटी है कि पार्टी कहीं तो कहीं मुझे न्याय देंगे, मुझे ऐसी गारंटी है। वो न्याय शहर दक्षिण का रहेगा या शहर मध्य का रहेगा, क्या लगता है बाबा? मैं वो नहीं बोल सकता, पार्टी बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकता, मैं इतना बड़ा नहीं बोलने के लिए, पार्टी जो निर्णय लेंगे वो निर्णय के साथ मैं तैयार हूँ। ऐसे भी रुझान लगाए जा रहे हैं कि बाबा मिस्त्री मध्य के लिए इस बार इच्छुक है, दिलीप माने के आने से बाबा मिस्त्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब वो दक्षिण में नहीं बल्कि मध्य में ज्यादा जो है टिकट की मांग कर रहे हैं। मैं मध्य में टिकट की मांग किया भी नहीं और उस समय मध्य के बारे में कोई मुलाकात भी नहीं दिया और कोई हमारे नेता के सामने मध्य के बारे में कभी डिस्कस किया, मेरा डिस्कस सिर्फ दक्षिण तालुके से है। मैं आज भी आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, आपके लोक प्रधान चैनल की तरफ से जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरा दावा दक्षिण सोलापुर है, पिछले मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरा यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार है, मेरे कार्यकर्ता तैयार हैं, मेरे मतदार तैयार हैं, इसके लिए मेरा सब में ज़्यादा रुझान जो है तालुका दक्षिण में रहेंगे। मान लो कि अगर पार्टी आपको देखो ऐसा भी देखा जा रहा है कि शहर मध्य के अंदर ये मांग जो है जोरों से पकड़ रही है कि मुसलमानों को शहर मध्य के अंदर टिकट मिलनी चाहिए, और यहाँ दक्षिण में आप भी जो है कमर कसे बैठे हैं कि मैं यहाँ का हकदार हूँ, मुझे यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए, एक ही शहर एक ही जिले के अंदर दो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी कैसे टिकट देगी? देखो इसमें मुस्लिम और इसका कोई सवाल नहीं पैदा है, सब में पहले काबिलियत क्वालिटी होना जरूरी है। धर्म के नाम से जात के नाम से इलेक्शन मैं तो कभी लड़ा नहीं और मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सेकुलर बोलकर रहना है, मुझे सेकुलर बोलकर रहना है, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई समाज का एक नाम मुद्दा हो, ऐसा नहीं चाहिए। उसकी काबिलियत देखो, उसकी क्वालिटी देखो, अगर वो चुन करने वाला है तो उसकी मेरिट देखो, तो मेरिट उसके भी देख कर उसको टिकट दो। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी देखो अभी पहले से अगर नहीं रहा, अभी पार्टी के अंदर भी बहुत से निर्णय ऐसे होने वाले हैं जो कि उन्होंने वहाँ जाकर जो उम्मीदवार चुन कर आने वाला है ऐसे उम्मीदवारों को तो टिकट देंगे, और मैं तो जात धर्म में मैं नहीं मानता। पर देखो काम करने के लिए जात धर्म की जरूरत नहीं है। अच्छा। काम तो हमारे अल्लाह के रसूल ने क्या बताया, हर एक का काम करो, कल की खिदमत करो, लोगों की मदद करो, ये हमारा पेशा है,
बल्कि खाली मुस्लिम का करो ऐसा नहीं है वहाँ। अच्छा। हर धर्म का काम, हर धर्म के लोगों का काम करना अपना फर्ज है। अच्छा। इसके लिए मेरा मकसद जो है कि हर धर्म के लोगों के लिए काम करना, उनकी मदद करना। ऐसा नहीं कि मैं जात का छक्का मैं तो नहीं लगा सकता, क्यों तो बाबा मिस्त्री जो है मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा। मैं मानता हूँ बात को, लेकिन वोट देने वाले खाली मुस्लिम, सब लोग देते वोट। अच्छा। अपने वोट जो है ना हर धर्म के लोग की वोट लेना है। अच्छा। कोई एक धर्म के नाम से इंसान चुनकर नहीं आता। अच्छा। हर धर्म के लोगों को विश्वास में लेकर, उनको उनके उनका दिल जीत कर, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर कर अपनी चुनको आना, ये मकसद है हमारा। कोई एक धर्म का, ये धर्म दो वो धर्म दो, मैं धर्म के पीछे जाता नहीं। धर्म हमारे दिल में है, हमारे घर में है। धर्म की बात अलग है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ, बेशक जो इंसान अच्छा काम करता है उसको पब्लिक भी साथ देती है, अल्लाह भी साथ देती है। मैं ये नहीं कह चाहता कि बाबा इसको टिकट दो उसको टिकट दो, अभी मत दे तो मैं आपको बताया मध्य में तो मेरा कोई मध्य में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा। मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट मेरा क्लेम का है, तालुक है दक्षिण सोलापुर को, मैं यही टिकट मांगने वाला हूँ और यही इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। फिर ये चर्चाएं क्यों जोर पकड़ रही है कि बाबा जो है मध्य में आने वाले हैं? देखो मैं अभी तक किसको ये बात नहीं बोला कि मैं मध्य में इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मैं मध्य से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मुझे मध्य से टिकट चाहिए, मैं आज तक कभी नहीं बोला बात। अभी मुझे ये यूट्यूब पे आपके चैनल पे कोई तो पेपर में इधर सुनने में आ रहा है कि बाबा मिस्त्री मध्य में आगाड़ी पर है, मध्य में टिकट मांग रहे हैं, मध्य में ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम मध्य में जाने का नहीं है। मेरा काम दक्षिण सोलापुर में है मेरा, और कलों में दक्षिण मेरा नई जिंदगी से लेकर पूरा हद्द्वाड़ मेरा है। हद्द्वाड़ जो मेरा मतदार संघ है पूरा हद्द्वाड़ है, और हमारा काम हद्द्वाड़ के अंदर है। मेरा आज से 40 साल से मैं हद्द्वाड़ में काम करता हूँ, और ज़्यादा लोगों के मेरा संपर्क है यहाँ। इसके लिए मेरा काम जो है ना तालुका दक्षिण तालुक के अंदर ज़्यादा है। देखो ग्रामीण के अंदर 40% मतदान है और शहर के अंदर 60% मतदान है, इसलिए मेरा काम इधर ज़्यादा है। मेरे को मैं अभी तक किसके सामने बताया नहीं कुछ नहीं कि मैं इलेक्शन सिटी में से लड़ना, सेंटर से लड़ना चाहता हूँ। नहीं, मेरा दक्षिण से मध्य से कोई भी मतलब मांगनी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ कि मेरा सब में ज़्यादा डिमांड है और मेरी मांगनी है वो तालुका दक्षिण सोलापुर से, जो मेरे कार्य करते हैं यहाँ पर। इसके लिए यहाँ के लोग जो है ना, कुछ लोग डाइवर्ट कर रहे हैं मेरे को। अच्छा। क्या डाइवर्ट करके बाबा तालुक मध्य में जा रहे हैं, मध्य में जा रहे हैं, मध्य में। अरे मैं कहीं किसको बताया नहीं मध्य में, और मुझे क्या है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पार्टी सब में बड़ी होती है। अच्छा। पार्टी का डिसीजन बड़ा होता है। अच्छा। पार्टी जो डिसीजन लेंगे वो मुझे मानने पहले से बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी डिमांड कहाँ है, तालुका दक्षिण में, मेरी मध्य में नहीं। मैं भी अगर टिकट की मांगनी करूंगा तो पहले तालुका दक्षिण से करूंगा, मैं मध्य से नहीं करूंगा मैं। अभी हम पार्टी को रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को तालुका दक्षिण से टिकट दे, मैं मध्य में नहीं लड़ूंगा, मध्य की टिकट मांगनी नहीं करूंगा मैं। और मध्य में मेरे दिमाग में भी नहीं है और मेरे ख्याल में भी नहीं है। अच्छा। और मैं 2019 के इलेक्शन लड़ने के पहले क्या मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे को टिकट मिलेगी बोलकर। अच्छा। अचानक दिलीप माने शिवसेना में जाने से वो सीट खाली भी, कौन सीट लेने को तैयार नहीं। अच्छा। मैं फॉर्म भरा, फिर अब कोई ज्यादा लोग की डिमांड नहीं आने से मेरे को देखे, मेरे को टिकट दिए और मैं इलेक्शन लड़ा। और मैं थोड़ा मुझे थोड़ा कम पड़ा, अगर मैं और थोड़ी मेहनत किया होता तो और मैं 10-15-20 हज़ार मत बुला करने की ताकत मेरी कम नहीं, लेकिन मेरे को टाइम बहुत कम था, 15 दिन का टाइम था। 15 दिन के अंदर मैं पूरे 67 गांव फिरना, 67 गांव फिर कर भी सिटी कवर करना, ये मेरे को नहीं, क्योंकि मेरे पास लोग बहुत कम थे। चंद कार्यकर्ता लोग इलेक्शन लड़ा हूँ, चंद कार्यकर्ता लोग इलेक्शन, और मेरे वो कार्यकर्ता रातों दिन मेहनत कर रहे, लेकिन मेरे ग्रामीण के लोग इतने अच्छे लोग हैं, वो बिचारे क्या बोले, तुम्ही तिकडे येऊ नका, तुम्ही देव माणूस आहे बाबा, तुम्ही घरात बसा, आम्ही तुम्हाला मतदान करणार आहे। ये लोगों के ओढ थे वहां के, वो लोगों के बोल थे वहां के। इसके लिए मुझे इतनी हिम्मत मिली उन लोगों से, तो मुझे आज भी गारंटी है कि वो लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि शहर मध्य के अंदर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप जो है शहर दक्षिण से जो है दावेदारी कर रहे हैं, आपको वहां से टिकट मिलनी चाहिए। शहर दक्षिण से मान लो आपको टिकट कंफर्म हो जाता है तो आपका मुकाबला किससे रहने वाला है? तालुका दक्षिण से ना, तालुका दक्षिण मेरा मुलाकात, मेरा जो मुकाबला बीजेपी से रहेंगे। अच्छा, बीजेपी। कैसे टिक पाएंगे बाबा बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से जो वहाँ के MLA रह चुके हैं, सुभाष मंत्री है कैबिनेट में? देखो 2019 को वो 2019 को लोग कैबिनेट थे। अच्छा। कैबिनेट मिनिस्टर थे। अच्छा। आप लोगों ने सोलापुर की देखा कि बाबा मिस्त्री कैसे टक्कर दिया। अच्छा। तो अभी तो मेरा कार्य क्षेत्र बड़ा हुआ है ना। अच्छा। मेरा कोविड की तरफ से काम बहुत बड़ा है। अच्छा। इसके लिए मेरी अभी डबल पहचान हुई है। अच्छा। और डबल लोगों की ज्यादा पहचान हुई, मेरे को अभी तो उससे ज्यादा वोट मिलने ना मेरे को। अच्छा।
2019 के चुनाव में जब आपने इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का शहर दक्षिण से, तो ऐसे रुझान लगाए जा रहे थे कि खुद जहां आप रहते हैं, जहां के आप 20-25 सालों से नगर सेवक है, नई जिंदगी ला से, वहां के लोग ही आपके साथ नहीं थे, वहां के लोग ही आपको वोट नहीं किए, ऐसी चर्चाएं जो है शहर के अंदर हो रही है। ये गलत बात है, यहाँ के लोग वोट किया, अच्छा वोट किया ना, टक्केवारी कमी जो अभी 2024 के लोकसभा में जो हमारे 70-65% वोटिंग हो गया, अच्छा उस टेम्पो जो है ना 35% वोटिंग हुई, कुछ जगह 35% हुई, कुछ जगह 40% हुई, अच्छा कम वोटिंग हुई, नहीं दिया ऐसा नहीं, वोटिंग दिया हमको, अच्छा दूसरे को क्या भाई बीजेपी को दी नहीं, जिन लोग नहीं दे सकते, अच्छा। तो 35% वोटिंग हुई, 35% वोटिंग के उससे मेरे को थोड़ा बहुत तकलीफ हो गई। अगर हमारे नई जिंदगी में अगर समझो 40-70% वोटिंग हुआ तो मैं जीत कर आता था, क्यों वहाँ जो है ना अभी लोकसभा के अंदर जो अभी 10% मतदान बढ़ा हमारे यहाँ का, अच्छा अब 10% मतदान बढ़ने से ना अभी वो वोटिंग में मुजाफा हो गया, अच्छा। और उस टाइम पे जो है ना कम थी वोटिंग, अब बढ़ गए। अब नई जिंदगी सर के इलाके में जो मैं अभी प्रणीतताई शिंदे के लोकसभा घर से कम से कम 24,700 मत यहाँ के मिले उनको, अच्छा दोनों हमारे नई जिंदगी पूरे मतलब प्रभाग 20 और प्रभाग 21 के दोनों में लागू ना 25,000 वोट मिले उनको यहाँ, अच्छा। तो मैं अगर खड़ा हूँ तो 30-35,000 में यहाँ से खाता ना वोट अभी, अच्छा। यहाँ खाऊंगा और ग्रामीण में, तो इसके लिए वो टेंशन नहीं अपने को यहाँ। उस टाइम पर क्या हो गया था, वोटिंग का प्रमाण कम होता और उसमें क्या हो गया, कुछ लोग अपप्रचार करे, अच्छा दिशा भूल करे मतदारों की, अच्छा। ए बाबा को चुप, नाम को टिकट दे सो, वो क्या चुनकर आता है, ऐसे लोग अब प्रचार करो ना, कुछ काम करने वाले की ताकत भी तोड़े सो उसके, अच्छा अपोजिशन पार्टी जो है ना ताकत तोड़े सो उनकी, लेकिन मैं कितना निष्ठावंत हूँ ये मेरे पार्टी को मालूम है, मुझे मालूम, मेरे खुदा को मालूम है, अच्छा। ये ऐसे ऑफर जो लोगों ने हम कितना ऑफर दिया मुझे, मैं उनके ऑफर को लात डाले सो ठुकराया हूँ कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं एक निष्ठावंत आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ मैं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर रहना चाहता हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी जो जो आदेश दिया वो आदेश का पालन करता हूँ मैं, इसके लिए मैं काम किया हूँ। और आज की बात बताता हूँ तुमको, आज जो है ना मेरा बहुत बड़ा फायदा इसलिए हुआ कि मेरे नई जिंदगी से लेकर ग्रामीण तक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और माशाल्लाह लोग भी जो है ना मुझे, हर धर्म के लोग मुझे मानते हैं और हर धर्म के लोग के फोन मुझे आते डेली कि बाबा तुम्हें टिकट घया कायपन करा, तुम टिकट आना हमारे दूसरा का सांगू नगर, एज बोलते हैं। इसके लिए आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा के, इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी मेरा विचार करेंगे और मुझे टिकट देंगे, क्योंकि मैं यहाँ का हकदार हूँ, मैं पिछले इलेक्शन लड़ा हूँ और ऐसा नहीं लड़ा हूँ, साधा नहीं लड़ा हूँ, दो नंबर पे हूँ और 58,000 वोट ले आऊँ। 2014 में जब दिलीप माने इलेक्शन लड़े तो उन्होंने 42,000 वोट लिया था, अच्छा हाँ, तो मैं 58,000 लिया, यानी कि तुम्हारा मता के 10,000 मत का मैं डिफरेंस बड़ा है मेरा उनमें से, अच्छा। तो इसके लिए वो हिसाब से देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और बढ़ाऊंगा, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेंगे वो पार्टी के ऊपर हमारा पूरा दारोमदार है, पार्टी जो निर्णय लेंगे उसके साथ हम रहेंगे, हम पार्टी को रिक्वेस्ट करेंगे, अच्छा। साहब हमारे पे अन्याय मत करो, क्योंकि मैं आज तक पार्टी के साथ निष्ठावंत बोलकर रह लाऊँ, एक सिपाही बोलकर रह लाऊँ, तो मेरे पे अन्याय मत करो, हम पार्टी को बोलेंगे, हमारे नेता शिंदे साहब को बोलेंगे, प्रणीत भाई को बोलेंगे, हमारे साथ अन्याय मत करो, हमारे को न्याय दो, ये इंशाल्लाह मेरे को न्याय मिलेगा, मुझे ऐसी गारंटी है। जैसा कि आपने कहा कि 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, कहीं ना कहीं बाबा का जादू 2019 के चुनाव में चल नहीं पाया क्या, क्या बाबा ने वहाँ के स्थानीय नागरिकों की समस्या को हल नहीं किया क्या? नहीं, स्थानीय नागरिक की समस्या नहीं है, मेरे को यंत्रणा मेरे लगाने में मैं थोड़ा कमजोर पड़ा, अच्छा लोगों को कुछ गलती नहीं है, वोटर की कुछ गलती नहीं है, अच्छा गलती मेरी है, मैं ग्रामीण में लगाऊं यंत्रणा क्या सिटी में लगाऊं, अच्छा। मेरे पास कोई थे, अच्छा। मैं अकेला और मेरे कार्यकर्ता पे हम नारा लगा के निकले आगे चलो बोलकर, कांग्रेस जिंदाबाद लगा निकले आगे, तो इसके लिए क्या मेरे को टाइम बहुत कम मिला, अगर मेरे को टाइम मिला होता तो मैं नई जिंदगी हो जुड़ेशलापुर हो या नीलम नगर हो, अच्छा। या बराबर मैं टाइम वहाँ बराबर टाइम करके लगाया था और मैं वहाँ कम 50% वोटिंग जो मैं लिया था, लेकिन मैं वहाँ भी थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अभी ऐसा नहीं होगा, अभी 100% बोलता हूँ मैं, नीलम नगर से लेकर तक तो पूरा होटगी रोड तक मैं 40,000 वोट का मैं पूरे टारगेट करता हूँ और इंशाल्लाह लोग भी जो है ना मेरे को मानते हैं, लोग खुद बोलते हैं देखो अपन मैं अभी इतने साल से काम करता हूँ नगर से बोलो काम करता हूँ, कभी मैं ये नहीं बताया कि मैं बड़ा हूँ कुछ नहीं, मैं एक सामान्य नागरिक में रहता हूँ, सामान्य लोगों में रहता हूँ, हर धर्म के लोगों में रहता हूँ, मेरा एक मकसद है कि अपने को लोगों का काम करना, लोगों को मदद करना। आज हमारे महाराष्ट्र का ये हथौड़ा का इतना विकास बुरा अड़ेला है हमारा, अभी तक 10 साल से कुछ नहीं हुआ, या कि लोग जो है परेशान है, जुड़े शलभ लोग परेशान है,
नए नीले में लोग परेशान है, नए जिंदगी में जो हमने विकास किया है बाकी तरफ बहुत परेशान है। आज वो गुंटेवारी का प्रश्न है, कोई भी आमदार कोई भी खासदार आने वाले 10 साल में गुंटेवारी का प्रश्न माने नहीं, गुंटेवारी का मार्ग नहीं लगाए। आज आएगी लोग परेशान है, उन खुद मालक बने नहीं। हमने अगाड़ी सरकार थी जब हमने कोशिश किया, उसको फाइनल भी किया, मंजूर भी दिया, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद काम रुका पूरा। आज नहीं तो हाथौड़ के लोग हर प्लॉट का मालक बना होता। ये जानबूझकर लोगों ने काम रुकाया है। मुझे काम करना है ये लोगों को, हाथौड़ के अंदर हर घर के हर प्लॉट धारक को मालक बनाना है। मालक नहीं है वहाँ भोगरदार बोल को हम रहते हैं। हाथौड़ के लोग इतना परेशान है आज कि वो मालक बने होते। ये बीजेपी सरकार आने के बाद जानबूझकर एक काम अड़ाई सौ है। आज हाथौड़ के अंदर देख 2-2.5 लाख प्लॉट ऐसे हैं जो खुद मालक नहीं है। मुझे उनको उनके न्याय दिलाना है। मैं आमदार बनने के बाद उनको न्याय दिलाऊंगा, मुझे ऐसी गारंटी है, क्योंकि मैं पूरा काम करा हूँ। वो 50% काम बाकी है, लेकिन बीजेपी रुकाने की उसे काम रुकाने तो अभी तक काम होकर सबको प्रॉपर्टी कार्ड हाथ में मिला होता और हर प्लॉट धारक मालक बना होता। ये अगर मैं किया कांग्रेस पार्टी कर रही बोलकर उन्होंने जानबूझकर काम रुका है, इसके लिए हमको बात का हम दुख है उस बात का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100% अभी जो है हमारी सरकार महाराष्ट्र में बैठने वाली है और ये काम मैं हमारे हाथवाड़ के लोगों का काम जरूर कर दूंगा। और मैं हाथवाड़ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये देखो कि 10 साल ये लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, आपकी थट्टा की सो है। हमने जो काम लाया था वो काम रुका कर इन्होंने लोगों ने आपका जो बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ लोग आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग जो है हाथवाड़ के लोग सब धर्म के लोग जो है ना वो हमको देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी का आमदार बनेगा यहाँ पर और विधानसभा के अंदर हमारी सत्ता आएंगी और ये पूरे काम हम मार्गी लगाएंगे। देखिए जैसा कि आपने कहा कि शहर दक्षिण के अंदर आपकी अच्छी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में जनता में आपका तगड़ा संपर्क है, लेकिन कुछ लोग जो है आपको मध्य की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, आपने ऐसा कहा, कहीं ना कहीं उसको लेकर राजनीति हो रही है क्या कि बाबा जो है ना मध्य के रहे ना दक्षिण के रहे? नहीं देखो ये मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने कितने भी डावपेच खेले तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि निर्णय पार्टी लेने वाली है। अच्छा। और मुझे आपको मैं बताया इससे पहले कि मुझे मेरे साथ पार्टी अन्याय नहीं करेगी। अच्छा। मेरे साथ पार्टी अन्याय नहीं करेंगी, मुझे मालूम है मुझे पार्टी अन्याय नहीं करती और मुझे गारंटी है कि मुझे दक्षिण से मिलेगा और मैं दक्षिण से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छे खासे बाबा को शहर मध्य के खाप क्यों दिखा रहे हैं? मैं ये बात को सहमत नहीं हूँ साहब, वो लोग जो खाप देखते हैं जो खर्चे वो आप नहीं देखते, आपको तो दिखा रहे हैं। आपने कहा कि आपको उधर डाइवर्ट किया जा रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है? अभी पता नहीं मुझे क्या है, वो कौन कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन गलत जो भी कर रहा है उसको मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। ये बात अच्छा। जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बाबा को मध्य में ढक लो मध्य में रुको, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी प्लानिंग करो मैं क्या वो प्लानिंग में तुम्हारे प्लानिंग में डर, मैं पापा वहाँ मुस्लिम के मतदान बहुत है 1 लाख मतदान है। अच्छा। मैं वहाँ जाऊँगी मेरे दिल में आने वाला नहीं और मैं ख्वाब में भी नहीं सोचना है, क्यों मेरा काम जो है दक्षिण में है और मैं दक्षिण से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ और दक्षिण से मेरी डिमांड रही है। अच्छा। नई जिंदगी का विकास हुआ है क्या ऐसा बाबा को लगता है? देखो नई जिंदगी का विकास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है क्योंकि तो पीछे जो है नया नगर जो है हमारा दीक्षित नगर जो भीमाशंकर नगर है और थोड़ा पाटिल नगर उधर नीचे के नगर हैं वहाँ थोड़ा काम बाकी है। अभी शिवगंगा नगर में पूरा कम्प्लीट हुआ, विजयनगर में कम्प्लीट वाला काम हमारा जितना प्रभाग है पूरा कम्प्लीट हुआ, लेकिन पीछे का थोड़ा भाग बाकी है मतलब। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिन में, अभी कैसे 2.5 साल हो गया है इलेक्शन में महापालिका, नगर सेवक नहीं है प्रशासक है, प्रशासक उन्होंने काम कुछ नहीं कर रहे। अभी जो डेवलप का काम जो करते थे वो नगर सेवक करते थे क्योंकि बोर्ड के अंदर बजट रखते थे, भांडोली बजट के अंदर रस्ते बिस्ते सब करते थे। अभी 2.5 साल बंद हुआ, इसके लिए काम रुका है, इंशाल्लाह आने वाले दिन में वो भी 100% काम होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ खाली नई जिंदगी नहीं, मुझे पूरे हाथौड़ का विकास करना है। अच्छा। पूरे हाथौड़ का विकास, हाथौड़ का विकास बहुत रुका है हमारा, सोरेगांव से लेकर तक कुंभारी तक हमारा हाथौड़ा ही। अच्छा। सोरेगांव से लेकर कुंभारी तक मुझे विकास करना है, यहाँ के हर लोगों को पानी पुरोटे के अंदर पानी के अंदर बहुत परेशानी है। हम ये कहना चाहते हैं बार बार कि अभी तक हमारे करीबन नहीं कहते भी हाथौड़ के 50 से 40 लोग जो है ना मोटर का करंट लगकर मरे हुए हैं पानी के अंदर। अच्छा। इसके लिए मुझे वो खत्म करना है ताकि पानी प्रेशर से दिए इनको, एक ऐसा विजन बनाने का हाथौड़ के अंदर कि पानी परोटा हाथौड़ के अंदर 2 टप्पे में खत्म होना और प्रेशर से खत्म होना। अच्छा। ये जब कब होगा कि आप उन सत्ते पे जाने के बाद कर सकते हैं, आमदार बनने के बाद कर सकते हैं। अब ये लोग नहीं करें उनके वो बात का हमको दुख है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग और डेवलप
ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग करके अगर डेवलपिंग करेंगे तो डेवलप करेंगे तो सब लोगों को उसको न्याय मिलेगा। आज सब में बड़ी समस्या पानी की है। अच्छा। हाथों में पानी है ठीक है, लेकिन कुछ जगह 12 बजे आता, कुछ जगह 2 बजे आता, 3 बजे आता, रात को उठना, मोटर चालू करना, शौक लगता, ऐसे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। इसके लिए मुझे खत्म करना है। हाथद्वार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी कैसा मिलेगा, हाथद्वार के लोगों को अच्छे से रास्ते कैसे मिलेंगे, हाथद्वार का विकास कैसा होगा, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है और इंशाल्लाह वो हम करके दिखाऊंगा। अच्छा, स्थानीय नागरिक आप पर कहीं आरोप करते हैं कि वार्ड में ज्यादा, प्रभाग में ज्यादा समय देने के बजाय बाबा बिस्तरी को सिविल हॉस्पिटल में ज्यादा समय क्यों देना पड़ता है, ऐसा जो है लोगों में, आपके वार्ड के प्रभाग के लोगों में, आपके विरोधकों में जो है चर्चा रही है। विरोधक को काम क्या रहा है, विरोधक को क्या काम रहा है, विरोधक को ये चलता कि बाबा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये चलता है। इसीलिए देखो, मैं आज तक मैं 25 साल से काउंसलर लोग काम करता हूँ, मैं 25 इलेक्शन लड़ा हूँ, एक आमदार इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं कभी किसी को मेरा विरोधक मानता नहीं और मैं विरोधक रखता भी। मैं मेरा काम करता हूँ, मेरा ड्यूटी है सुबह जल्दी उठो, एक राउंड वार्ड में मारो, फिर सिविल में जाओ, सिविल के बाद और शाम में आओ राउंड मारो, तो मेरा काम। सिविल में जाने का मकसद क्या है, वहाँ के जो रुग्ण जो मरीज आते हैं लोगों, उनकी सेवा करना। मेरे वार्ड के लोग खुद बोलते हैं बाबा अभी सिविल देने के तुम ऐसा, यहाँ हमारे नई जिंदगी में अलहमदिल्ला बहुत अच्छे लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं ना कि मुझे आज तक मैं क्या था, मैं एक जीरो था, आज मुझे उन्होंने हीरो बनाया और नई जिंदगी के लोगों ने हीरो बनाया, मुझे कभी जिंदगी बनी नहीं। मैं डेवलप किया, नई जिंदगी डेवलप बहुत हो गई, ये बात अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नई जिंदगी के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ अभी देखो 10% के लोग तो ऐसे अपने खिलाफ रहने चले ना, जो अच्छा काम करता है उसके बुरा बोलने लोग भी होना जरूर है ना, क्यों निंदा से घर ऐसा विषय जारी। जब तक उन्होंने मुझे नाम नहीं रखते जब तक मैं अच्छा काम नहीं करूंगा ना, अगर मेरे नाम नहीं देंगे तो फिर मैं भी सुस्त पड़ता हूँ। इसके लिए विरोधक रहना जरूरी है, विरोधक बोलना जरूरी है, जो अपने को दिशा दिखाते विरोधक, इसके लिए विरोध जितने रहेंगे उतना अच्छा रहता है। मैं विरोध बोले तो मेरे को आँख खोलते में ज़्यादा काम करता हूँ। नई जिंदगी की हद तक छोड़ दो तो नई जिंदगी में अलहमदिल्ला 99% लोग अच्छे हैं, कोई भी ऐसा गलत नहीं है। हमारे विरोधक भी अच्छे हैं, वो भी गलत नहीं बेचारे, सब लोग एक झूठ बोल रहे थे। मैं इतने साल से इलेक्शन लड़ता हूँ, कभी एक मेरे इलेक्शन में कोई ज़्यादा एक मामूली सी एक गाली का झगड़ा भी नहीं होता, क्यों हम वो हिसाब से रह सकते, कभी हमको झगड़ा नहीं करता है, यानी प्यार से इलेक्शन लड़ना है, मोहब्बत से इलेक्शन लड़ना है। विरोधक मेरे साथ फिरते थे, मैं उनके गले में हाथ डाल निकलता था, चल भाई मिल लीजिए, लेकिन हमारे में कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना अपन जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई वाद ही निर्माण नहीं करना, अपने को सबको लेकर चलना है, संगठक बनाना है। हमारे यहाँ की नई जिंदगी में सब धर्म के लोग रहते हैं, खाली मुस्लिम नहीं, सब धर्म के हिंदू है, दलित है, सब धर्म के लोग रहते हैं और सब धर्म के लोगों को चलना मेरा मकसद है। इसके लिए मुझे किसी बात की यहाँ तकलीफ नहीं है। नई सिविल हॉस्पिटल में ज़्यादा समय देने का मतलब लोग ये निकालते हैं कि बाबा को वहाँ से कुछ पैसों का लेन देन होता है क्या, कुछ कमीशन वहाँ से बाबा को मिलती है क्या? देखो साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अल्लाह ताला खल्क की खिदमत करो बोले सो है। अब सिविल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ कमीशन लेना है तो पेशेंट ले, अगर पेशेंट लेकर तो डॉक्टर थोड़ी कमीशन लेना ना, पेशेंट ले जाना एडमिट करना कमीशन देते हैं, पेशेंट को ले जाकर एडमिट करने के डॉक्टर कमीशन देते हैं, फिर इलाज है वहाँ मुफ्त इलाज है वहाँ, अब कोई पैसा उल्टा मैं मेरे जेब में खर्च, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जो हम करते हैं वो हाथ मुझको मतलब ये हाथ को कह दो हाथ को नहीं मतलब पता हिसाब से काम करते हैं, इसको बता देंगे वो छोड़ो खैर, लेकिन जो है बोलने वाले अल्लाह उनको भला करे, क्योंकि पैसे लेते सिविल में पैसे लेते उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्योंकि वहाँ कौन सा काम है, वहाँ कौन सा काम है। अरे जो मरीज आता है उसके जो वेदना रहती है, उसको जो दर्द रहता है वो देखो तुम आकर आपको समझेगा, एक देख कर तो आपको पानी आता है, वैसे हालत रहती है। अरे एक पेशेंट आते हैं ऐसे, उसके पास 20 रुपये नहीं थे पेपर काटने के लिए, 20 रुपये नहीं रहते पेपर काटने के लिए, उनको हम देना पड़ता पैसे को, ये पैसे में शर्म आना उनको। मैं तो बोलता हूँ उनको ऐसे लोगों को ना डूब मरना चाहिए, बात क्या कौन सा काम है यार। अरे वो जो पेशेंट के लिए जाकर अपन मदद करते हैं, आज हजारों पेशेंट सोलापुर में लाखों पेशेंट पर मेरा नाम मरा, एक भी पेशेंट बोलना कि बाबा मिस्त्री मुझे 5 रूम हो गया, 10 रूम हो गया, 100 रूम हो गया, ये सारा नालायक लोग हैं जो बोलने वाले हैं। ये जो है लोग जो है ना, जो बोलते ना क्या, जिसका धर्म नहीं है ऐसे लोग बात करते हैं।
जैसा कि आपने कहा कि शहर दक्षिण के अंदर आप चुनाव लड़ने वाले, तो यहाँ की जो आपकी सीट है उसके लिए आप किसको मौका देंगे, आपके कार्यकर्ताओं को मौका देंगे क्या? जैसे परिवारवार चलता है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बाप, वो चांस देंगे क्या कार्यकर्ताओं को आप मौका देंगे? नहीं, मेरे फैमिली में तो मैं किसको भी इसका डर नहीं होता, मैं एक है, मुझे मालूम है नगर से क्या रहा है, मुझे मेरे फैमिली में तो मेरे कार्यकर्ता जिस जिसको जो मेरा जो कार्यकर्ता मुझे मुझे करना है तो बेशक उसको सपोर्ट करूँगा। अच्छे खासे बाबा को जो दक्षिण के अंदर अच्छी रेस में चल रहे हैं, अच्छे खासे बाबा को मध्य का खाप दिखाने वाले लोगों को बाबा क्या संदेश देंगे? मैं उनको संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी मेरे को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, लेकिन मैं मध्य की ख्वाब देखने वाला नहीं, मेरा दक्षिण है और मैं दक्षिण में इलेक्शन लड़ूंगा। जो लोग कुछ अच्छे ख्याल से बोलते होंगे, जो अच्छे ख्याल से बोलते होंगे उन लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि साहब मेरा फील्ड वहाँ का नहीं है, और जो डाइवर्ट करना चाहते हैं जानबूझकर, वो लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपका आपको हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा काम नहीं है, आप जो है बंद करो दक्षिण 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 मध्य 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 बंद करो, कि मेरा काम है दक्षिण में, मैं दक्षिण में दावेदार हूँ और दक्षिण में इलेक्शन लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ बाबा मिस्त्री, जो इन दिनों बहुत चर्चा में रह रहे थे, क्योंकि शहर मध्य विधानसभा सीट के अंदर जो है बाबा आने वाले हैं, बाबा की एंट्री मध्य में होने वाली, इस तरह से बड़ी जोरों शोरों से चर्चा शहर मध्य के अंदर हो रही थी, लेकिन बाबा मिस्त्री ने खुले अल्फाज में कह दिया है कि मेरा जो है दावेदारी, मैं जो शहर मध्य से नहीं बल्कि शहर दक्षिण से मैं यहाँ से चुप हूँ, कार्यकर्ताओं में जनता में शहर दक्षिण के जो भी गांव है वहाँ मेरा संपर्क है, और जो लोग जो है मुझे मध्य शहर मध्य का ख्वाब दिखा रहे हैं उनको उनका ख्वाब जो है, उनके जो इरादे हैं उनको मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, इस तरह का बाबा ने उनको संदेश दिया है, ऐलान किया है, और आने वाले समय में जो है बाबा मिस्त्री शहर दक्षिण के अंदर ही वो चुनाव लड़ेंगे, इस तरह से उनका कहना है। लेकिन उनके लिए कितना आसान होता है शहर दक्षिण से टिकट लाना, क्योंकि वहाँ से जो है आमदार रह चुके दिलीप माने जो है वहाँ से भी दावेदारी कर रहे हैं, बाबा मिस्त्री उन्होंने वहाँ से भी दावेदारी कर रहे हैं। अब दोनों के अंदर कांग्रेस पार्टी किसके साथ न्याय करती है ये आने वाला समय ही बताएगा, और बाबा मिस्त्री को अगर वहाँ से टिकट मिलता है तो दिलीप माने की क्या रणनीति रहेगी वो भी आने वाला समय बताएगा। अगर बाबा मिस्त्री मान लो टिकट लाते हैं, आमदार बनते हैं, तो क्या वो जनता का विकास करेंगे ये जनता को समय ही बताने वाला है। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैं नितिन नजाब, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और सवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहां नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स हैं, राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टेक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कॉम्पिटिशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।